धार क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने शोरूम मालिक से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से नकदी रुपए सहित भारी संख्या में अवैध हथियार जब्त किए हैं। दरअसल मामला धार जिले के कुक्षी पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां चार बदमाशों ने रंगबाज वेब सीरीज से प्रभावित होकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने 4 माह पहले कुक्षी स्थित गोल्डन टीवीएस शोरूम के मालिक के पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। शोरूम संचालक ने तत्काल मामले की कुक्षी थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करते हुए क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इंदौर के महू से बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ करीब 3 लाख रुपए नकदी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस की हत्या चढ़े आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। थाना कुक्षी की पुलिस टीम को और क्राइम ब्रांच को मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। यहाँ पर 19 जनवरी को एक गोल्डन टीवीएस शोरूम के मालिक थे अमित गुप्ता, उनके धमकी से 10 लाख रुपये मांग की गई के तहत एक कॉल आया, उसके ऊपर अपराध दर्ज किया गया। धार से शिव कुमार उपवाल की रिपोर्ट।